ज़्यादातर लोग एलियंस में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि वह कहीं ब्रह्मांड में ज़रूर हैं, पर कई लोग मानते हैं कि एलियंस नहीं होते क्योंकि उनका कोई सबूत नहीं है। पर साइंस कहता है कि एलियंस ज़रूर हैं और अभी इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वह उनको ढूंढ सकें। क्या पता वो एलियंस इधर ही हैं और हम इंसानों के बीच ही रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लोगों की कहानियां बताऊंगा जिनका कहना है कि वे एलियंस के साथ संपर्क में आए थे। एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। बार्नी एंड बेटी हिल, 1961। बार्नी और बेटी हिल कनाडा से छुट्टी के बाद रात को घर लौट रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में एक विचित्र रोशनी देखी और वह ठीक उनकी गाड़ी के ऊपर आ रुकी। बार्नी ने अपने दूरबीन से देखा तो देखा कि करीब 10 सेम टू सेम पुतलों जैसी फिगर उनको देख रही है। वह यह देखकर बहुत डर गए और फटाफट वहां से निकल गए। पता नहीं कैसे पर उनका 4 घंटे का सफ़र 7 घंटे में बदल गया और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके कपड़े कई जगह से उधड़े हुए हैं और दोनों की घड़ियां भी बंद थी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। उन्होंने तुरंत यह सब अपने पड़ोसियों को दिखाया जिससे यह केस आगे बढ़ा। वह ईमानदार और इज्जतदार लोग थे और किसी ने उन पर शक नहीं किया कि वह ऐसा झूठ या मजाक करेंगे उनके साथ। इस घटना पर कुछ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ने रिसर्च किया पर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। एमी रैलेंस, 2001। एक रात एमी अकेले टीवी देख रही थी। उनके पति कीथ और दोस्त पेट्रा सोने चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद पेट्रा लिविंग रूम में आई तो देखा कि एमी को खिड़की के बाहर ले जाया जा रहा है। उस खिड़की से एक लाइट बीम आ रही थी। पेट्रा ने चीखा और कीथ को बुलाया। कीथ एमी को बाहर ढूंढने गया और देखा कि खिड़की के नीचे झाड़ियां जल गई हैं। उन्होंने एमी की खबर पुलिस में कर दी। 1.5 घंटे बाद फ़ोन आया कि एमी क्वींसलैंड के एक पेट्रोल पंप के बाहर मिली है, वो भी डिहाइड्रेटेड। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उन्हें कुछ याद नहीं था। उनके घर से तो वह रास्ता करीब 8 घंटे का है और यह सब अजीब हादसे का होना काफ़ी हैरान कर देने वाला था कि एमी उस जगह इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। एमी के परिवार वाले इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और इस घटना से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। रॉबर्ट टेलर, 1979। यह किस्सा काफ़ी रहस्यमयी है और डिस्कवरी चैनल ने भी इसको काफ़ी बार दिखाया है। एक दिन रॉबर्ट टेलर जंगल में अपने कुत्ते के साथ सैर कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक से एक मेटल का यूएफओ जैसा कुछ देखा। जले हुए रबड़ की स्मेल आ रही थी। तभी अचानक से किसी ने उनके पैर पकड़े और वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो देखा कि उनकी पैंट फटी हुई है और कुत्ता नॉनस्टॉप भौंके जा रहा है। कुत्ते को चुप कराने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वह बोल ही नहीं पा रहे थे। वह बहुत ही थके हुए लग रहे थे और किसी तरह मुश्किल से अपने ट्रक तक पहुंच गए। घर पहुंचकर उनकी पत्नी ने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस ने जंगल में जाकर देखा तो वहाँ सीढ़ियों के निशान मिट्टी में थे। पुलिस को और कुछ सबूत नहीं मिला। रॉबर्ट को इस हादसे से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता था, पर अचानक से उनकी आवाज़ चले जाना काफ़ी रहस्यमयी और ख़तरनाक था। इस आवाज़ चले जाने के पीछे रहस्य किसी को नहीं पता है और कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है। गैरी वुड एंड कॉलिन राइट, 1992। यह केस बताया गया एक एम्बुलेंस टेक्नीशियन गैरी और उसका दोस्त कॉलिन। रात को 10 बजे ड्राइव करते हुए उन्होंने दूर एक काली सी वस्तु आसमान में देखी और वह उनकी ऊपर आ रुकी। तभी एक सफ़ेद रोशनी अचानक से आई और वह दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो देखा कि 1 घंटा बीत चुका है और उनकी वैन उल्टी डायरेक्शन में खड़ी है। उन दोनों को ही पता नहीं चला कि वैन उल्टी कैसे हो गई। अगर आप नहीं जानते तो हिप्नोटिज्म के माध्यम से हमारे अंदर की याददाश्त वापस लाई जा सकती है, यानी सम्मोहित हमें करके याददाश्त को लाना। तो उन्होंने हिप्नोटिज्म करवाने का सोचा। काफ़ी प्रयास के बाद वह हिप्नोटाइज हुए और पता चला कि उस एक घटना में उन्हें काफ़ी दर्द हुआ था। उनके कपड़ों को फाड़ा जा रहा था और किसी इंसान के चीखने की आवाज़ आ रही थी। 20 साल बाद 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकाले
और उन्होंने इस घटना को काफ़ी सीरियसली लिया है। अब एक शक ज़रूर पैदा होता है कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही है, और अगर ले रही है तो यानी यह कुछ ज़्यादा ही सीरियस होगा। डिफेंस डिपार्टमेंट ऐसे सवालों का जवाब देने से हमेशा इनकार कर देते हैं। ट्रेविस वॉल्टन 1976। 6 लोगों का ग्रुप एरिजोना फॉरेस्ट में काम करते थे। एक दिन 5 लोगों ने पुलिस को बताया कि उनका एक साथी ट्रेविस वॉल्टन को एलियंस ने किडनैप कर लिया है। उन्होंने बताया कि वह ड्राइव कर रहे थे और बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उन्होंने देखा कि एक वस्तु उनके आगे खड़ा है। ट्रेविस बाहर गया देखने के लिए, और इस किस्से में भी एक सफ़ेद रोशनी ने ट्रेविस को बेहोश कर दिया और उठा लिया। पुलिस ने विश्वास नहीं किया और समझा कि उन्होंने ट्रेविस को मारकर लाश फेंक दी। 5 दिन बाद ट्रेविस वापस आ गए थे और उन्होंने बताया कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने बयान में बताया कि जब उन्हें होश आया तो वह एक टेबल पर लेटे हुए थे और कुछ गंजे लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिनका सर काफ़ी बड़ा लग रहा था। जब ट्रेविस ने भागने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक गैस मास्क लगा दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। ट्रेविस को और कुछ याद नहीं था। 5 दिन बाद उन्होंने अपने आप को हाईवे पर चलता हुआ पाया और वापस लौट गए। उन सभी का पॉलीग्राफ लाइट डिटेक्टर टेस्ट हुआ, वही लोग जो एरिजोना फॉरेस्ट में ट्रेविस वॉल्टन के साथ काम करते थे, और 5 उसमें पास हो गए थे। यह किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था और इस घटना से इंस्पायर होकर 1993 में फायर इन द स्काई के नाम से एक फिल्म आई थी। यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यह सारे किस्सों में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, जैसे उड़न तश्तरी, बेहोश होना, अपहरण, सफ़ेद रोशनी और ज़्यादातर अकेली जगहों पर UFO का मिलना। 20वीं सदी में इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इन लोगों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं था, और इन घटनाओं में कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं है जिससे लगे कि यह किसी लोगों की साजिश है। इन घटनाओं से संबंधित सारी जानकारी के वेरीफाइड लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यह लोग सच बोल रहे हैं या झूठ? क्या आप एलियंस पर विश्वास रखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और भी रहस्यमय वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।